हाय हेलो नमस्कार पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे आज हमारे साथ हैं द मोस्ट डैशिंग एंटागनिस्ट एवर जिन्होंने हिंदी सिनेमा में विलेंस की परिभाषा को ही बदल के रख दिया इफ आई टॉक ऑफ द लुक्स स्पेशली सो ही इज वेरी हैंडसम द मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर वी मस्ट से मिस्टर ताहिर राजबसीर बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू फॉर दैट इंट्रोडक्शन नवीन सो ताहिर अभी आजकल क्या चल रहा है घर में लॉकडाउन के चलते हम देख रहे हैं आपके इंस्टा पे बहुत सारे वीडियोज आपके जी पहले के 4-5 दिन तो बहुत ही आसानी से कटे थे क्योंकि बहुत दिनों बाद ऐसा टाइम मिला था कि शूटिंग से मतलब हमें छुट्टी मिले और हम घर पर बैठे पर वो 4 और 5 दिनों के बाद जब वक्त बिल्कुल कटता नहीं है और ऐसे लगता है कि दीवारें आपकी घर की मतलब बंद हो रही हैं आपके ऊपर और फिर जो है पता लगता है कि भाई ये मामला जो है वो काफी सीरियस है और मतलब हमको ऑल ऑफ अस विल हैव टू रिमेन इन लॉकडाउन फॉर क्वाइट अ फ्यू वीक्स इससे पहले कि ये प्रॉब्लम खत्म हो एंड पर हमारे और जो दूसरे लोग हैं जिनका 9 to 5 कॉर्पोरेट जॉब रहता है उनमें फर्क इतना रहता है कि एक एक्टर जो है वो ये जो वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट है ये काफी टाइम से चलता हुआ आ रहा है क्योंकि जब हम सेट पे नहीं होते तो हम ज्यादातर घर से ही जो है फंक्शन करते हैं तो हमारे एक तरह से सेट रूटीन्स बने होते हैं तो मेरे काफी ऐसे दोस्त थे जो रेगुलर जॉब में हैं जिन्होंने मुझे फोन करके बोला यार तुम लोग घर पे करते क्या हो इतना टाइम पर हमारा एक बना रहता है अपने आप को एक प्रोडक्टिव रखने के लिए एक्टिव रखने के लिए एक तो वर्कआउट करते रहना 2 या 3 दिन होम वर्कआउट दूसरा अलग अलग तरह की किताबें पढ़ना फिल्म्स देखना और जैसे कि हम पहले कह रहे थे अब ये सारी दुनिया जो है फोन पर हो गई है अब पेरेंट्स के साथ वीडियो कॉल भी फोन पर होता है इंटरव्यू भी फोन पर और उसी तरह जो डायरेक्टर्स हैं जो आने वाले फिल्मों पे काम करने वाले हैं उनके साथ जो वर्कशॉप्स हैं आजकल फोन पर ही हो रही है तो वर्क फ्रॉम होम काफी अच्छे से चल रहा है आपने कहा रीडिंग करते हो है ना तो मैं ना हर एक्टर से पूछ डालती हूँ यार मुझे ये बताओ रीडिंग बिना नींद आए कैसे कर सकते हैं मतलब मुझे तो नींद आ जाती है जी बहुत इसका इसका सवाल बहुत इसका जवाब बहुत ही आसान है बहुत सारी कॉफी तो बहुत सारी कॉफी और आजकल वक्त तो ऐसा है कि अगर नींद आ भी गई तो सो गए हाँ एक्चुअली कोई ऐसा डिस्टर्ब नहीं है आपको जी डिस्टर्ब करने वाला नहीं है और बहुत कम ऐसा टाइम मिलता है कि आप फोन को स्विच ऑफ करके थोड़ी देर 1 घंटे के लिए आप दूर रख सकते हैं क्योंकि नॉर्मल लाइफ में तो ये हो ही नहीं पाता या तो मैसेजिंग चलता रहता है या किसी के कॉल्स आते हैं तो मुश्किल होता है मतलब फोन से अलग होना अच्छा हम कई बार कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी ने अपनों को दूर कर दिया है लेकिन आज के वक्त में अगर बात करें तो यही टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हम आप या और भी जो आपके रिश्तेदार हैं आपके मॉम डैड हैं अगर आपसे दूर रह रहे हैं तो वो सब कनेक्टेड हैं आपके फ्रेंड्स कनेक्टेड हैं सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस राइट नाउ सिचुएशन जी मतलब बिल्कुल सही कहा आपने मैं तो उन एक्टर्स में से हूंगा कि मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपना इंस्टाग्राम और अपना अपना ट्विटर और फेसबुक कम यूज करूं मतलब ये नहीं कि अपने पर्सनल लाइफ में अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो इमीडिएटली उसका वीडियो लेके मैंने अपलोड किया मैं कम ही करता हूं पर इन दिनों मैंने देखा है कि ये ऑलमोस्ट एक चीज है जो हमें समाज के साथ जोड़कर रख रही है मैं चाहे दोस्तों के साथ या पेरेंट्स के साथ या फैंस के साथ वीडियो कॉल द्वारा बात कर सकता हूं ट्रू दैट आपने कौन-कौन सी वेब सीरीज और मूवीज निपटा ली है वैसे अब तक ऐसा क्या नहीं है मैंने नेटफ्लिक्स खत्म कर दिया है सब कुछ देख चुका हूं मैं पर एक दो खास जो है माइंड हंटर नाम की एक डिटेक्टिव सीरीज है जो थोड़ी सी डार्क है पर इन दिनों के लिए अच्छी है क्योंकि वो बहुत स्लो सी है नॉर्मल लाइफ में शायद स्लो लगे पर जब आपके पास पूरा दिन हो तो एक बहुत ही अच्छी सीरीज है दूसरी है मनी हाइस्ट जिसके बारे में बहुत लोग बात कर रहे हैं जिसमें मतलब बहुत अच्छी एक्टिंग और जिस तरह स्क्रिप्ट लिखी गई है वो भी बहुत अच्छी है और अनकट जेम्स नाम की एक फिल्म है एडम सैंडलर की जो कि बहुत ही अच्छी अच्छा आपकी अपकमिंग फिल्म है ना लूप लपेटा विद तापसी पन्नू है ना अभी हमने सुना है कि आपने तापसी से 1-to-1 मुलाकात नहीं की अभी आमने सामने ऐसे आपकी मुलाकात नहीं हुई है उनसे है ना बट जी अभी तक आमने आमने सामने नहीं हुई पर राजीव मसन का एक चैट शो होता है उन्होंने हमको मतलब तापसी के साथ उन्होंने इंटरव्यू शुरू किया मुझे कहा गया था कि आपको इतने टाइम फोन करा जाएगा उन्होंने फोन किया और मेरी को एक्टर दूसरे दूसरे लाइन पे थी तो काफी अजीब था क्योंकि मतलब पहली बार एक को एक्टर से मिलना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट होता है पर आजकल हर इम्पोर्टेंट इवेंट आई गेस वीडियो कॉल्स पर हो रहे हैं तो क्यों ना ये भी तो एक तरह से एक दूसरे को हमने जाना हाय हेलो हो गई थोड़ी बहुत और तापसी तो बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही है कि ये लॉकडाउन जल्दी से लिफ्ट हो
चाहते तो हम सब हैं, पर सेफ्टी आई थिंक कम्स फर्स्ट। अच्छा, आपके इंटरव्यू के बाद तापसी का इंटरव्यू मुझे लेना है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, व्हाट वाज दैट फर्स्ट थॉट दैट केम टू योर माइंड व्हेन यू लाइक हर्ड अबाउट कि तापसी वुड बी योर को-स्टार इन दिस फिल्म? मैंने उनको एक एक्टर से एक स्टार बनते हुए देखा है पिछले कई सालों में, और प्योरली अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे, मतलब पिंक के बाद जो उनकी फिल्में आई हैं, चाहे वो थप्पड़ हो या बदला हो, शी हैड अमेजिंग परफॉर्मेंसेज इन ऑल ऑफ दोस एंड शी इज वेरी हार्ड वर्किंग। और जब आप उनसे बात करेंगे आपको भी ये महसूस होगा, जो मुझे एक वीडियो कॉल में पता लग गया था, कि वो जेन्युइन है, वो जिस तरह की हैं वो उसी तरह शी विल प्रेजेंट हरसेल्फ, ऐसा कुछ प्रिटेंशन या बनावटी एक पर्सनालिटी नहीं है, जो कि एक को एक्टर में और इंसान में बहुत ही एंडियरिंग सी चीज होती है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद हर, पर वर्क करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम वीडियो कॉल से निकल कर एक एक्चुअल बहुत ही जल्द मिले। अच्छा, एक और चीज पूछना चाहूंगी, 83 में आपने सुनील गावस्कर का रोल प्ले किया है, सो कितना डिफिकल्ट होता है एक बायोपिक में काम करना as we compare it to the normal films, अगर बात करते हैं? बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक तरह से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है आप पे, स्पेशली अगर जिनको आप प्ले कर रहे हैं वो एक लिविंग लेजेंड है, जो आपको पता है कि वो और उनके फैमिली मेंबर्स, उनके इतने सारे फैंस फिल्म देखेंगे और एक कंपैरिजन होगा। हमारे कास्ट में ऐसे प्लेयर्स थे जो स्कूल या कॉलेज में, बल्कि हार्डी संधू जो पंजाब के हैं, उन्होंने तो आई थिंक रणजी खेल रखा था, पर मैं गली क्रिकेट खेलते हुए आया हूँ। मेरे लाइफ में तो रूल्स ऐसे होते थे कि अगर आपने आंटी का शीशा तोड़ा तो आप आउट हो गए, वन टेप वन हैंड अलाउड है, मतलब बगीचे में बॉल जाना मतलब 4 रन। तो ये वाले रूल्स से निकल के एक प्रोफेशनल क्रिकेटर का बॉडी लैंग्वेज, उनका बैटिंग का स्टांस, वो सब पकड़ना एक बहुत ही मेहनत का काम था। 6 महीने लगे थे इसके प्रेपरेशन में। और बलविंदर सिंह संधू, जो एक्चुअली वे 1983 के क्रिकेट टीम के हिस्से थे, उन्होंने कोचिंग करी थी। तो रोज 2 घंटे सुबह सुबह 6 बजे से 8 बजे तक हमारा एक कैंप लगता था, और 6 महीने ये चला था। आई थिंक फिजिकली ये सबसे एक चैलेंजिंग फिल्म रही है मेरे लिए। अच्छा, तो वैसे क्रिकेट देखने का शौक है अभी आपको फिलहाल? बिल्कुल, मतलब जब भी इंडिया खेलती है वो तो हम देखते हैं, पर देखने में और खेलने में, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो मतलब हिंदुस्तान में हर इंसान के पास एक ओपिनियन होता है कि यार ये शॉट ऐसा नहीं मारना चाहिए था, या फील्डिंग थोड़ी अच्छी, पर जब असली में करने उतरो ना तो फिर पता लगता है कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी, कितना स्टेमिना, ये सब लगता है। तो हमारे लिए भी एक लर्निंग थी और एक नया एक तरह से अप्रिसिएशन आया है स्पोर्ट्स मैन और वुमेन के लिए, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट हो, कि कितना वो अपने लाइफ में सैक्रिफाइस करते हैं उस लेवल तक पहुंचने के लिए, जिसको हम अक्सर देख के क्रिटिसाइज और सबका जो ओपिनियन बन जाता है। एंड इफ वी आस्क हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर ताहिर? अगर पुराने क्रिकेटर्स में देखा जाए तो मैं तो सुनील गावस्कर ही कहूंगा, थोड़े से बायस के साथ, और आज के जनरेशन में तो मैं महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि जिस काम और कूलनेस के साथ वो रहते हैं किसी भी प्रेशर सिचुएशन में, वो एक बहुत ही एडमिरेबल चीज है। अच्छा, मर्दानी जब आई थी ना, तो जैसे मैंने कहा कि इतना डैशिंग विलेन ना हमने देखा नहीं था कभी, दी एंग्री यंग मैन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने फिल्म में अपने आप को एंग्री यंग मैन कहा भी था ना? जी जी, सर जी के सामने, एंड शी यूज्ड टू कॉल यू अंडर 19 जूनियर, सो दैट मूवी इज रियली लाइक एज ऑफ द सीट मूवी। तो लाइक हाउ डिड दैट हैपन टू यू कि मर्दानी में आपको एक विलेन का किरदार सीधे मिला? जी, जब मैं बॉम्बे पहली बार आया था तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था मेरे मन में कि मैं इस टाइप का रोल करूंगा। मुझे बस ये पता था कि मैं एक्टिंग करूंगा और सिर्फ फिल्मों में करूंगा। और बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि मैंने जानबूझ के ये चॉइस करी थी, कि जो मैंने चूज किया था कि ये मैं एज एन एंटागनिस्ट, एज एन एंटी हीरो अपना डेब्यू करूंगा, ये स्ट्रैटेजी थी। पर ऐसा कोई ऐसे स्ट्रैटेजी नहीं थी इसके पीछे। जब यशराज फिल्म्स जैसा कोई बड़ा बैनर और रानी मुखर्जी जैसी एक्ट्रेस की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो एज ए न्यू एक्टर आप उस अपॉर्चुनिटी को लेके, वो कहते हैं ना, जब आप मतलब ओपनिंग करने निकले हैं तो वो पहली बॉल पर छक्का मारना ही है आपको, कोई ऑप्शन नहीं रहता। पर इसमें हाँ, राइटिंग और जिस तरह डायरेक्टर और प्रोड्यूसर चाहते थे उस कैरेक्टर को प्रेजेंट करना, वो चाहते थे कि जो वॉल्ट है, वो कैरेक्टर है, वो एक लगे ना कि ये बुरा इंसान है, लगना चाहिए एंटी हीरो, ही शुड बी अ चार्मिंग बॉय नेक्स्ट डोर जिसे कहते हैं। और इसीलिए मुझे कास्ट किया गया था उसमें, क्योंकि अगर आप लुक देखिए, अगर आप मेरे पहले की फोटोज देखते तो मतलब मैं वो हर कुछ चीज कर रहा था जो मतलब एक कोई भी एक्टर जब बॉम्बे आके करता है, चाहे वो फाइट क्लासेस, डांस क्लासेस, जिम जाना। पर ये मर्दानी जैसे रोल ने मुझे सिखाया कि ये सब ठीक है, पर एक्टिंग जो है अल्टीमेटली वो ही है जो आपको आगे काम दिलाएगी। और आई एम ग्लैड कि आपको ये एज ऑफ द सीट मूवी लगी, पर उसके बाद मेरी एक कॉन्शियस डिसीजन रही है कि मैं
अलग अलग तरह के किरदार निभाते रहूं। मंटो नाम की एक फिल्म आई थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ, वो एक बायोपिक थी। छिछोरे आई थी, वो एक कॉमेडी एक फैमिली ड्रामा की तरह देखी जा सकती है। अभी एक स्पोर्ट्स बायोपिक आ रही है जिसमें सुनील गावस्कर का, जिसकी हमने अभी बात करी, और लूप लपेटा जो है वो एक बहुत ही मतलब एक एक्शन पैक्ड फिल्म है जिसमें रोमांस है तापसी और मेरे कैरेक्टर के बीच में, एंड उसमें तो मतलब ऑल आउट हीरो है। तो आई थिंक इस समय एक एक्टर होना बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है, क्योंकि वही इंसान पांच अलग अलग टाइप की फिल्में कर सकता है और ऑडियंस उसे एक्सेप्ट करती है। So we can say कि you are choosy about your subjects, your scripts and all? Definitely, क्योंकि मेरे हिसाब से मतलब एक फिल्म दोनों एंटरटेनिंग भी होनी चाहिए और उसके एंड में अगर एक ऑडियंस को एक छोटा सा मैसेज मिल जाए तो दैट इज द बेस्ट। छिछोरे में यही खास बात थी कि उसमें जो डेरिक जो कैरेक्टर था, जिस तरह की हॉस्टल लाइफ दिखाई गई थी, बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म थी पर साथ में एक खूबसूरत सा एक मैसेज छोड़ गई थी ऑडियंस के साथ। एंड देन ये भी जानना चाहूंगी, जब मुंबई आए थे तो लगता लाइक शुरुआत में होता है ना कि सोलो लीड के तौर पे एज अ हीरो ही मुझे काम करना है, ऐसा कभी लगा आपको? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। और मैंने एक एग्जांपल दिया था, बहुत सारे मुझसे पहले जो दिल्ली से आए हुए जो एक्टर्स हैं जिन्होंने शुरुआत करी थी, चाहे वो शाहरुख खान हो जिन्होंने अंजाम और डर और बाजीगर करी थी, चाहे बच्चन साहब का एग्जांपल ले लें जो एक बड़े एंसेंबल फिल्म में साथ हिंदुस्तानी में डेब्यू किया था, तो और खासकर कि आज जबकि कोई वेब सीरीज भी कर सकता है, फिल्म कर सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आपने एक तरह के रोल में किया या एक टाइप की फिल्म में किया तो आप वो जॉनर चेंज नहीं कर सकते। तो मतलब ये गलत होगा कहना कि मैंने सोचा कि नहीं मैं ही बदलूंगा, मुझसे पहले कई एक्टर्स आए थे जो ये तरीका अपना के और जो कहते हैं ना कन्वेंशन को ब्रेक करके आगे बढ़े। तो आजकल के टाइम में तो वैसे भी लोगों का परसेप्शन चेंज हो गया है ना, दे आर मोर लाइक कंटेंट इज द किंग, उनको ऐसा लगने लगा है पहले के टाइम। यस डेफिनेटली, और ये पूरे इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज है क्योंकि राइटर्स को जिस तरह की इज्जत दी जा रही है जो लॉन्ग ओवरड्यू है, अल्टीमेटली जितनी अच्छी कहानी होगी उतना ही अच्छा आपका कैरेक्टर होगा। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट डेवलपमेंट। तो पीछे दीवार का वो हम फ्रेम लगा हुआ देख रहे हैं, तो अमित जी के फैन हो आप? जी बहुत बड़े, और वो यश यश जी ने डायरेक्ट भी करी थी, यशराज फिल्म्स के यश चोपड़ा जी ने, तो जी। और ये भी एक तरह से देखा जाए तो वो एक एंटी हीरो ही थे उस फिल्म में। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, एक्टिंग को ताहिर ने एज अ प्रोफेशन जस्ट वो कर रहे हैं या फिर पैशन था आपका कि एक्टिंग में ही परस्यू करना है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपकी पूरी फैमिली की अगर मैं बात करती हूँ, फादर, ग्रैंडफादर एंड योर ब्रदर टू, दे आर इनटू इंडियन एयरफोर्स, तो आपको कभी नहीं लगा कि इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहिए फाइटर पायलट के तौर पर, वो प्लेन उड़ाने चाहिए एंड ऑल? जी अगर मैं एक्टिंग ना कर रहा होता तो जरूर वो मेरा ऑप्शन टू होता, पर मैंने जब वो होता है ना, हमेशा फैमिली में एक इंसान रहता है जो थोड़ा रेबेल जैसा रहता है कि यार मैं कुछ अलग करूंगा। तो बाद में जब मैं बॉम्बे आया तो पता लगा कि लोग एज अ मतलब फाइटर पायलट को कितनी कूल चीज मानते हैं कि यार ये तो बहुत सही है, तूने क्यों नहीं किया। पर जब आप उसी फैमिली में पले पड़े हो तो लगता है कि यार ये तो मतलब मेरे दादाजी करे थे, फादर किए, मेरे भाई भी, मैं कुछ अलग करूंगा। तो मैंने एज अ पैशन एज अ हॉबी स्कूल में बैरी जॉन की एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करी थी और आई थिंक पहली बार मुझे किसी टीचर ने बोला था कि ये तो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, मतलब तुम्हें आगे इसे परस्यू करना चाहिए। तो जब आपको एक छोटे एज में, मैं स्कूल में काफी एक बैक बेंचर मतलब शरारती लड़का हुआ करता था, तो पढ़ाई के मामले में किसी टीचर ने मुझे ये नहीं कहा ये तुम अच्छा कर रहे हो, तो आई थिंक ये एक्स्ट्रा करिकुलम में जब मुझे इंकरेजमेंट मिली एंड देन समवन टोल्ड मी दैट यू कैन डू इट, तो मैं उसे और फॉलो करने लगा। बट आई थिंक एट 21 आई टोल्ड माय फैमिली कि अब मैं बॉम्बे जा रहा हूँ एक्टर बनने, तो मतलब थोड़ा सा झटका तो लगा था, बट देन ग्रेजुअली व्हेन वर्क स्टार्टेड हैपनिंग इन बॉम्बे देन दे बट दे ऑलवेज बैक्ड मी, टू देयर क्रेडिट, एक उनको था कि हाँ इसका है सपना, तो वी आर देयर फॉर यू, बट जस्ट खुश रहना और लाइक मतलब जस्ट मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, दैट वाज द ओनली। And what is that one thing, since you are from Delhi, if I'm not wrong, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो दिल्ली के बारे में खास करके मिस करते हो? Not in the time खाना, of, but yes, खाना वहाँ का। Okay. दिल्ली में जिस तरह के मतलब छोले भटूरे, काठी रोल, wow. जो चिकन टिक्का, मतलब वहाँ पे आप किसी भी कॉलोनी के मार्केट में जाएं तो खाना वहाँ का अमेजिंग है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बॉम्बे में नहीं है, बॉम्बे में भी है, पर अलग अलग टाइप का, मतलब आपको छोले भटूरे छोड़ के फिर बटाटा भाजी और ये सब की आदत डालनी पड़ती है, जो कि एक तरह से हो गया है। अब मुझे बॉम्बे में भी उतना ही टाइम हुआ है जितना दिल्ली में कॉलेज में मैं जाके घूमता था।
अच्छा, ये जो आपकी फिल्म है लूप लपेटा, अगर बात करते हैं इसकी, इट इज द हिंदी अडैप्शन ऑफ जर्मन क्लासिक रन लोला रन, है ना? आपने देखा नहीं, है? बहुत मुश्किल है। क्या आपने? मैंने कॉलेज में ये फिल्म देखी थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी थी। पर जो लूप लपेटा बन रही है उसके बारे में मुझे जो सबसे खास बात ये लगती है, ये ऐसा नहीं कि हमने जर्मन फिल्म को उठा के हिंदी में ट्रांसलेट करके बना दिया, जो इसके राइटर्स हैं इसे अडेप्ट कर रहे हैं। एक चीज जो लॉकडाउन के खत्म होने पे आप सबसे ज्यादा मिस करने वाले हो अबाउट दिस लॉकडाउन, आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हाट वुड दैट बी? अबाउट दिस लॉकडाउन जो मैं मिस करूंगा, वाह, लोग तो नॉर्मली उल्टा सवाल पूछते हैं कि मतलब निकल के आप क्या करना चाहते हो। मैं बताता हूँ, मैं जिस सड़क पर बॉम्बे में रहता हूँ, जहाँ पे रहता हूँ, यहाँ पर मैंने चिड़ियों की आवाज कभी नहीं सुनी थी इससे पहले, पर अभी क्योंकि ट्रैफिक की आवाज जो है, इंसानों की आवाज, तो ऑल ऑफ अ सडन वाइल्ड लाइफ, मतलब पैरट्स, काइट्स, इस तरह की जो वाइल्ड एनिमल्स दिखने लगे हैं, उन्हें मैं थोड़ा मिस करूंगा। और मुझे ये भी लगता है कि इससे जब हम निकल के, जब हम जो भी जो नया नॉर्मल होगा उसमें वापस जाएंगे, एक अप्रिसिएशन होगी हमारे अंदर उन छोटी छोटी चीजों के लिए जो हम पहले टेक फॉर ग्रांटेड करते थे। मतलब मेरे घर कोई काम करने आती थी, वो बर्तन धोती थी, खाना बनाती थी, घर साफ करती थी, वो बस रोज की बात थी हमारे लिए। और अभी जब खुद करना पड़ रहा है तो उसकी अहमियत जो है समझ में आई है। तो आई थिंक वील ऑल बी वेरी चेंज्ड इंडिविजुअल्स, थोड़ा और अप्रिशिएट करने लगेंगे हम। So it will be like तापसी said ना, कि हम लोग वो थाली लेके खड़े होंगे जब बाई आ रही होगी ना आफ्टर दिस लॉकडाउन। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? एंड वन लाइक चेंज इन योरसेल्फ एज अ पर्सन, ये हम पूछ रहे हैं अक्सर कि गुड और बैड दोनों ही आपको बताने हैं कि आपके अंदर एक चेंज आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम लॉकडाउन की बात करें, व्हाट विल यू लर्न फ्रॉम दिस इन गुड टर्म्स एंड बैड टर्म्स, अगर बात करें? मुझ में एक बुरी बात जो इससे पहले थी कि मैंने खाना कभी नहीं बनाया था, आई हैव लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ हाउ टू कुक फॉर योरसेल्फ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मैं ये नहीं कहूंगा मैं सक्सेसफुल हूं अभी, मैं ऑमलेट बहुत अच्छा बना लेता हूं, मेरी कुकिंग स्किल यहां तक पहुंची है। बाकी सैलड्स वगैरह पे काम चल रहा है, तो लर्निंग हाउ टू कुक मे बी आई विल अप्रिशिएट दैट एंड स्टार्ट टू लर्न दैट। एंड दूसरा है कि कभी कभी हम वर्क लाइफ में, और ये सबके साथ होता है, सिर्फ जो एक्टर्स हैं उनके साथ नहीं, वर्क लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि दोस्तों के लिए फैमिली के लिए टाइम कम रहता है, तो उन्हें थोड़ा और अप्रिशिएट करना और हफ्ते में कम से कम एक दिन सिर्फ उनके लिए निकालना, आई थिंक दैट विल बी सम डेफिनेट चेंज। एक चीज जो अच्छी नहीं होगी आफ्टर दिस लॉकडाउन हमारे अंदर, वो क्या होगी, कुछ लग रहा है ऐसा? एक चीज जो अच्छी नहीं होगी, नहीं, मुझे तो लग रहा है कि बस नहीं, हम तो इम्प्रूवमेंट ही होगी, आई थिंक वी विल चेंज फॉर द बेटर। कहीं हम लोग को वेब सीरीज का चस्का तो नहीं लग जाएगा कि हर वक्त हम अपने काम पे भी वेब सीरीज या फोन ही लेके बैठे होंगे, टेक्नोलॉजी का तो इतना चस्का नहीं? हाँ, ये भी है, ये तो मैंने सोचा नहीं। हाँ, अब तो मतलब क्योंकि लोग इतने यूज्ड टू हो जाएंगे वीडियो कॉल्स के साथ कि हो सकता है अब मीटिंग्स जाना कम हो जाए, या अगली बार कोई इंटरव्यू करना हो तो यार अभी कौन जाएगा एक घंटा दूर, हम वीडियो कॉल स्काइप पर ही कर लेते हैं। तो हाँ, ये टेक्नोलॉजी का एक जो चस्का है वो लोगों की जिंदगी बहुत बदलेगा। Yeah, exactly. Thank you so much, Tahir, for being with us. It was wonderful talking to you. And I hope ki jaldi se one-to-one, like, saamne aamne baithke wo jo interview karne ka feel hai na, wo alag hota hai. So, hope to meet you soon. Ji, bilkul. Thank you. Thank you so much, Namrata.